आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब दो चरणों की वोटिंग शेष है। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, पर 57 सीटों में से एक सीट ऐसी भी है जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, और वो सीट है गोरखपुर की सदर सीट, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं। क्या है इस सीट का समीकरण और क्यों ये हॉट सीट इतनी जरूरी है, आइए जानते हैं प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। छठे चरण की हॉट सीट गोरखपुर सदर, सीएम योगी की अग्नि परीक्षा। योगी के खिलाफ रण में 12 उम्मीदवार। भगवा खेमे के अभेद किले में लगेगी सेम। गोरखनाथ मंदिर लिखेगा किसकी किस्मत। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के चुनाव के बाद अब छठवें चरण में योगी सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। छठवें चरण में जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें गोरखपुर सीट भी शामिल है। गोरखपुर से इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट के इतिहास की अगर बात करें तो यह सीट भगवा खेमे का एक ऐसा अभेद किला है जिसे पिछले लगातार 33 सालों से कोई भी भेद नहीं पाया है। बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर सदर सीट से ही 1998 से 2017 तक सांसद रहे हैं। वे सबसे पहले 1998 में यहां से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता चला गया। वह 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। वहीं अगर गोरखपुर सदर सीट के इतिहास की बात की जाए तो 1991 में यहां पहली बार चुनाव हुआ। कांग्रेस के इस्तीफा हुसैन बने पहले विधायक। 1962 में कांग्रेस के नेमतुल्ला अंसारी विधायक। 1967 में भारतीय जनसंघ के उदय प्रताप दुबे विधायक। 1969 में जनसंघ के ही रामलाल भाई विधायक चुने गए। 1974 से 1977 तक अवधेश श्रीवास्तव जनसंघ से विधायक रहे। 1985 में कांग्रेस के सुनील शास्त्री जीते। 1989 में बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला विधायक रहे, और वही अब तक सीट पर अब बीजेपी का ही कब्जा रहा। पर इस बार का चुनाव बेहद अहम है। जहां सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं इस बार गोरखपुर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर कुल 109 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गोरखपुर सदर सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुल 12 उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार ज्यादातर राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। बता दें कि सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से सुभावती शुक्ला चुनावी मैदान में है। सुभावती के पति दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे, और सीएम योगी के साथ उनकी प्रतिद्वंदता स्थानीय हलकों में काफी प्रसिद्ध रही। वहीं 2020 में जब उपेंद्र दत्त शुक्ला की मौत हुई तो योगी उनके घर भी नहीं पहुंचे थे, और इससे उनका परिवार बेहद नाराज हो गया। सुभावती अपने अभियान में ब्राह्मण गौरव और पहचान का उपयोग कर रही है, और क्षेत्र में ब्राह्मण ठाकुर प्रतिद्वंदता को भुनाने की भी उम्मीद कर रही है। वहीं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर मैदान में एक और उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। चंद्रशेखर बीजेपी शासन में दलित अत्याचारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और दलितों को मजबूत करने के लिए अपने अभियान का उपयोग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि पूर्वांचल की राजनीति में पैर जमाने और देश में दलित नेता के रूप में पहचाने जाने के लिए चंद्रशेखर चतुराई से चुनाव का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है।
जिन्हें मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार चेतना पांडे है। पहली बार चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ खड़े होने के बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। वह नियमित रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 33 सालों से लेकर आज तक इस सीट की रणनीति और समीकरण गोरखनाथ मंदिर तय करता आया है। इन 33 सालों में कुल 8 चुनाव हुए हैं, जिनमें से 7 बार भाजपा और 1 बार हिंदू महासभा और योगी आदित्यनाथ के समर्थन से उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 2002 में इस सीट से डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले जीते थे और जीतने के बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। तब से आज तक इस सीट पर वे काबिज हैं। बहरहाल गोरखपुर में हो रहा चुनाव इस बार साख का चुनाव है, जहां सीएम योगी अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं खुद चुनावी रण में उतरकर मोर्चा भी संभाल रहे हैं। वहीं इस बार का चुनावी आंकड़ा क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराएगा या विपक्षी दल बीजेपी के अभेद किले में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएंगे, इसका खुलासा 10 मार्च को हो जाएगा। पर जिस तरह से सीटों पर समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। जहां आज 7वें चरण के लिए अखिलेश विजय रथ की शुरुआत हुई, तो वहीं 6ठे चरण के आखिरी दिन अखिलेश के अर्जुन यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले ने सियासत को गरमा दिया। और क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमले का आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर लगा दिया है, वहीं बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। कुशीनगर में मंगलवार को पद प्रतिष्ठा और झंडे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई, जहां फाजिल नगर में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि रोड शो के दौरान पूर्व मंत्री और फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया गया। पथराव में काफिले की कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। पथराव की घटना के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। स्वाभाविक रूप से वो हमला हमारे ऊपर ही जान के किया गया, लेकिन चूंकि आज सुरक्षा के लिहाज से मैं अपनी गाड़ी में न बैठ करके एक दूसरी गाड़ी जिसमें मैं कभी नहीं बैठता हूँ, वो काले रंग की थी, उसमें बैठ गया था और वो मेरा नंबर गाड़ी का 5000 जग जाहिर है, इसलिए उन्होंने 5000 नंबर की गाड़ी पर हमला किया, पूरी तरह तोड़ दिया। मेरे ड्राइवर के कान फट करके उसका कुछ हिस्सा बाहर भी हो गया और साथ ही साथ हम समझते हैं इस प्रकार की जो कृत्य है भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है, सुनिए। दबंग किसके लोग हैं वहाँ सब मौजूद थे, तमकोही के ब्लॉक प्रमुख गुड्डू राय कोई हैं वो भी मौजूद थे, कोई पूर्व प्रधान विजय सिंह रजोटिया हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, गणेश पांडे कोई हैं सदला पंचायत वो भी वहाँ पर थे। इसी प्रकार से वहाँ पर सभी जिनको वहाँ पर लोग जानते पहचानते थे वो सारे नाम हमारे पास आ गए हैं, जिसमें गुड्डू राय पूर्व ये ब्लॉक प्रमुख तमको ही साथ ही साथ हमारे साथ में श्री गणेश चौहान सदर जिला पंचायत, श्री परशुराम कुशवाहा दुबौली, नवीन ओझा नौगावा, दीप राज खरवार लुठा, पवन सिंह बसडीला पांडे, दीपक गौड़ बसडीला पांडे, इंद्रजीत कुशवाहा दुबौली, अरविंद मधेसिया, विजय सिंह पूर्व प्रधान रजवटिया, अजिताभ शाही कोरवा, नवीन ओझा नौगावा, जितेंद्र शाही नौगावा, अनिल गिरी मठिया माफी, इतने लोगों को तो पहचाना गया क्योंकि संख्या सैकड़ों में थी, सबका न पहचाना जा सकता है न सबका नाम जाना जा सकता है, लेकिन जो उन्हें चिन्हित किया गया उन नामों को मैंने आपके सामने बता दिया।
वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले का सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वो समर्थकों के साथ प्रचार के लिए जा रहे थे। भाजपा सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य हमले की खबर सुनते ही मौके पर पहुंची और उन्होंने हमले के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में अब संघमित्रा मौर्य अपनी ही पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। उधर इस पूरे मामले पर अखिलेश ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। यह हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में बीजेपी को 0 करके देंगे। आगे अखिलेश ने कहा, सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेईमानी है। हालांकि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को पॉलिटिकल स्टंट बताया है। बीजेपी का कहना है कि अफसोस है कि जीतने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बता दें कि इस हमले ने सूबे की राजनीति को गर्मा दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले का बदला लेंगे। वहीं दूसरी ओर पिता पर हुए हमले के बाद क्या संघमित्रा बीजेपी से बगावत करेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण के मतदान के लिए कल यानी कि गुरुवार 3 मार्च को मतदान होना है और मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 6ठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट और गोरखपुर जिले में भी मतदान होना है। तो वहीं योगी सरकार के 7 मंत्री की भी 6ठे चरण में प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आइए जानते हैं 6ठवें और निर्णायक चरण में किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का 5वां चरण 27 फरवरी को संपन्न हो गया। बचे 2 चरणों में 111 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल में मतदान होना है। 3 मार्च को 6ठे चरण और 7 मार्च को अंतिम यानी 7वें चरण की वोटिंग होगी। 6ठे चरण में राज्य के 10 जिले सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बलरामपुर और अंबेडकर नगर की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 57 में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में कुल 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री श्री राम चौहान, जय प्रकाश निषाद, आनंद स्वरूप शुक्ला और उपेंद्र तिवारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गोरखपुर सीट से सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर।
यूपी केरल में सबसे हॉट सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर सीट है। छठवें चरण में इस सीट पर मतदान होगा। छठे चरण में गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सीएम योगी अब तक गोरखपुर से सांसद रहे हैं। गोरखपुर योगी की कर्मभूमि राजनीतिक भूमि रही है। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार में सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक योगी गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़े और जीते हैं। सीएम योगी को उनके गढ़ में समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला चुनौती दे रही हैं। कांग्रेस से चेतना पांडे और बीएसपी से ख्वाजा शमशुद्दीन चुनाव मैदान में हैं। पथरदेवा विधानसभा से सूर्य प्रताप शाही। देवरिया जिले की पथरदेवा सीट भी हॉट सीट में है। यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनाव मैदान में हैं। यहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व मंत्री रहे ब्रह्मशंकर त्रिपाठी सूर्य प्रताप शाही को टक्कर दे रहे हैं। कुशीनगर जिले की तत्कालीन सीट कसिया से ये दोनों दिग्गज 7 बार आमने सामने लड़ चुके हैं। इसमें ब्रह्मा 4 बार जीते तो 3 बार शाही की जीत हुई है। इटवा विधानसभा से मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। नेपाल से सटे पूर्वांचल के जिले सिद्धार्थ नगर की इटवा विधानसभा सीट इस बार 2 प्रत्याशियों की वजह से खास हो गई है, क्योंकि भाजपा ने मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री पद संभाल रहे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी पर एक बार फिर से दांव लगाया है। तो वहीं सपा के बड़े नेता और मुलायम सिंह यादव के करीबी माता प्रसाद पांडे एक बार फिर इटवा विधानसभा सीट से जोर आजमाइश कर रहे हैं। बांसी विधानसभा से जय प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में बांसी विधानसभा सीट आती है। बांसी विधानसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के जय प्रताप सिंह विधायक हैं। इस बार भी जय प्रताप सिंह जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। जय प्रताप सिंह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। वे अपने क्षेत्र में राजा साहब के नाम से पहचाने जाते हैं। बांसी विधानसभा सीट पर इस बार सपा से नवीन उर्फ मोनू दुबे चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा खजनी से श्रीराम चौहान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की खजनी विधानसभा से भाजपा ने 3 बार के विधायक संत प्रसाद का टिकट काटकर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीराम चौहान को टिकट दिया है, जिसके बाद संत प्रसाद के साथ ही समर्थकों के सुर बागी हो गए हैं। तो वहीं सपा ने रूपावती बेलदार को मैदान में उतारा है। भाजपा की तरफ से योगी सरकार में मंत्री श्री राम चौहान को उतार कर मुकाबले को रोचक करने का दावा किया जा रहा है। रुद्रपुर विधानसभा सीट से जयप्रकाश निषाद। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में देवरिया जिले की रुद्रपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जहां एक बार फिर से जयप्रकाश निषाद को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं निषाद बाहुल इस सीट पर सपा ने राम भुवाल निषाद को चुनाव में उतारा है। गौरतलब है कि रुद्रपुर विधानसभा सीट पर हर बार विधायक बदल जाता है। इस सीट पर निषाद मतदाताओं का दबदबा है। इसके अलावा ब्राह्मण क्षत्रिय दलित यादव भी प्रमुख जातियां हैं। ये इलाका अब पिछड़े क्षेत्रों में आता है और हर साल बाढ़ इस सीट के 50 से ज्यादा गांवों को प्रभावित करती है। फेफना विधानसभा सीट से उपेंद्र तिवारी। बलिया के फेफना से संसदीय कार्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। 2017 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र तिवारी ने जीत दर्ज की थी।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ से सियासी दांव पेच सीखने वाले उपेंद्र सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की फेफना विधानसभा सीट को पहले कोपाचीट विधानसभा सीट नाम से जाना जाता था, तो उधर उपेंद्र तिवारी को बोल्ड करने के लिए सपा ने फेफना सीट से संग्राम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बैरिया विधानसभा सीट से आनंद स्वरूप शुक्ला। बलिया की बैरिया विधानसभा सीट काफी चर्चा में है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की प्रतिष्ठा दांव पर है। दरअसल पिछली बार यहां से सुरेंद्र सिंह भाजपा के विधायक थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिससे कि वो बागी हो गए और मुकेश सहनी की पार्टी और इस बार वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां का चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं, क्योंकि यहां एक तरफ योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की प्रतिष्ठा दांव पर है और इस बार वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का चुनाव करने में लगी हुई हैं और सब पार्टियां अपनी उपलब्धियां तो दूसरे की कमियां गिनवाने में लगी हुई हैं। पर ये तो 10 मार्च के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किस पार्टी की जीत का परचम लहराएगा। मार्च को छठे चरण का चुनाव है और ऐसे में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। वहीं सातवें चरण के लिए भी प्रचार प्रसार जोरों पे चल रहा है और हर एक चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।